आदमी इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि K-pop सेंसेशन बांगतन बॉयज की जिंदगी में जब एक चीज शुरू होती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, फिर चाहे वो सरप्राइजेज हो, खुशियां हो या फिर कंट्रोवर्सीज। और आजकल ऐसी ही जिंदगी चल रही है BTS सुपरस्टार जिमिन की, जब से वो पिछले हफ्ते एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में फंसते जा रहे हैं, स्पेशली जब से कोरियन एक्ट्रेस सॉन्ग दयून ने इंस्टाग्राम पर अपनी और जिमिन की डेटिंग को लेकर हिंट दी। और तभी से सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल है कि जिमिन की गर्लफ्रेंड सॉन्ग दयून है, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब भी जिमिन कंट्रोवर्सी से निकल नहीं पा रहे हैं। और हाल ही में एक बहुत शॉकिंग कंट्रोवर्सी में जिमिन फिर से फंस गए हैं, जो शायद ही किसी ने सोचा था। और आपका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा अगर आपको पता चले कि जो जिमिन लाखों करोड़ लोगों की इंस्पिरेशन है, आइडल हैं, उनका नाम कोरिया के एक बहुत शॉकिंग सेक्स स्कैंडल में आ रहा है, जिसने सभी को हैरान कर रख दिया है। फैंस परेशान हैं कि जिमिन की रेपुटेशन इस सेक्स स्कैंडल से पूरी तरह खत्म ना हो जाए। तो आखिरकार जिमिन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनका नाम इसमें आया है, चलिए जानते हैं। तो आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ 2019 में हुए सनबर्न सेक्स स्कैंडल की, जिसने पूरी कोरिया को हिला कर रख दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे K-pop आइडल्स का नाम आया था। और अब इतने साल बाद जिमिन का नाम भी इसके अंदर लिया जा रहा है। रीज़न है उनकी एलिज्ड गर्लफ्रेंड सॉन्ग दयून। जी हाँ, माना जा रहा है कि सॉन्ग दयून ने इस सनबर्न स्कैंडल के मेन आरोपी बिग बैंग मेंबर सेंगुरी को भी डेट किया था, वो कुछ सालों तक उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब जिमिन उनके साथ रिलेशन में आए तो उन्होंने भी सेंगुरी की और सॉन्ग दयून की स्कैंडल्स में, फ्रॉड्स में हेल्प की। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सेंगुरी और काफी सारे K-pop आइडल्स मिलकर कोरिया में सनबर्न नाम का एक क्लब चलाते थे, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्स स्कैंडल और इलीगल काम हुए, जो बाद में पता चला तो इन लोगों को जेल भी हुई। और अब जब से जिमिन और सॉन्ग दयून की डेटिंग का खुलासा हुआ है तो बहुत सारे हेटर्स का कहना है कि जिमिन भी उसमें शामिल थे। लेकिन ऑब्वियसली जब सॉन्ग दयून और जिमिन की डेटिंग ही साबित नहीं हुई तो जिमिन का नाम इसमें लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। BTS मेंबर या जिमिन कभी भी इस तरह की स्कैंडल्स में शामिल नहीं हुए, वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि सॉन्ग दयून ने भी सेंगुरी को डेट करने की बात से डिनाई किया है। हालांकि उनकी बहुत सारी फोटोज सेंगुरी के साथ वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर सॉन्ग दयून ने कहा है कि एक टाइम पर वो उनके साथ दोस्ती में थी, लेकिन इससे ज़्यादा उनका कभी उनसे मतलब नहीं रहा। इसका साफ मतलब यही है कि जिमिन का नाम भी इस स्कैंडल में लिया जाना उनके ऊपर लगाने जैसा है, जिसके खिलाफ बिगिट को एक्शन जरूर लेना चाहिए, जो भी लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन, बाकी आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।